Hello everyone, welcome you all to Parcham Classes. I am Janvi and I take Burning Issue section. हमारी क्लासेस ट्यूसडे और फ्राइडे को वीकली शेड्यूल्ड रहती हैं. साथ ही साथ अगर प्रीवियस लेक्चर्स को आपको देखना है तो हमारे चैनल पे बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे आप जाएं, वहां पे आपको मिल जाएंगे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आउटकम्स फ्रॉम G20 समिट. सी, ये जो समिट रही है ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस रही है, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई है. यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका ये कहना था कि चाइना दो यहाँ पे शी जिनपिंग का प्रेजेंस नहीं था, उसके बावजूद भी जो 2023 की G20 समिट है वो एक सक्सेस साबित हुई है. अगर आप तुर्की के यहाँ पे प्रेसिडेंट का बयान देखोगे तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये तक कह दिया कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भारत को देनी है तो वो बहुत ही प्राउड फील करेंगे अगर भारत को परमानेंट मेंबर बना लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 कंट्रीज अभी परमानेंट काउंसिल की मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर है, वो ही पूरे वर्ल्ड को लीड नहीं करती हैं, यहाँ पर और रिप्रेजेंटेशन चाहिए. तो इंडिया जैसी कंट्री अगर रिप्रेजेंटेशन पाती है तो ये बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहे. तो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल के आए हैं, साथ ही साथ वो इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट करेंगे. और हम देखेंगे कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर पार्ट में यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं और कौन कौन से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं बनाने के लिए. सबसे पहले हम अपना लास्ट सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं. सी, लास्ट सेशन में मैंने पूछा था कि G20 की एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999. नेक्स्ट देखिए, बहुत बच्चों को पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मैं अगेन आपको बताना चाहूंगी कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर. एंड वन थिंग और यहां पे मैं बोलना चाहूंगी कि जो लास्ट सेशन था हमारा, जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंसी के वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के सामने नेम प्लेट लगी थी जिसपे भारत लिखा हुआ था, तो अगेन ये भारत वाला डिबेट और साथ ही साथ जो G20 समिट का वेन्यू था भारत मंडपम, उसकी सारी की सारी डिटेल्ड एनालिसिस जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में कराई है, तो आप वहां से इसे देख सकते हो. देखिए, अब हम बात करेंगे 18th G20 समिट 2023 में, ये 18th सेशन इसका था. ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आसियान, ब्रिक्स आप देखते होंगे. सबसे पहले आप समझिए कि क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, इन्हें बनाने के पीछे. आज का जो न्यू वर्ल्ड है उसमें हम बात करते हैं कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के किसी एक छोटे से रीजन में भी कोई अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के रूप में देखें रशिया यूक्रेन वॉर को, तो हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, साथ ही साथ फूड स्कैरसिटी की समस्या भी हमें देखने को मिली. तो क्यों ऐसा हुआ? एज वी नो कि यूक्रेन वीट का टॉप एक्सपोर्टर है, अब क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो इस कारण से यूरोपियन कंट्रीज में फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहे हैं. तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि एक हिस्से में दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है. तो इसीलिए इस साल की जो G20 समिट की थीम भी थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे. और ये कंसेप्ट कैसे होगा, जब सारे वर्ल्ड लीडर किसी एक छत के नीचे आकर इन सभी मुद्दों पर बात करें और कैसे इसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर चर्चा करें. तो इसलिए ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाई गई हैं. आपने देखा होगा जैसे आसियान, वो पूरी तरीके से पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी कैसे सही रहे, इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर बात होती है, कैसे वहाँ पर आप एक दूसरे से ट्रेड करो, ये सब चीज़ों पर. उसी तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है G20. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 में और 2008 से हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो इस समिट में शामिल होना शुरू हुए. क्या काम है इसका? ये
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन रहे, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, इन सारे जो इश्यूज हैं इस पे यहाँ पे बात होती है और इन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए उसके बारे में एक प्रॉपर प्लान और अप्रोच यहाँ पर बताए जाते हैं। प्रेजेंट अगर हम इसकी मेंबरशिप देखें तो 21 मेंबर अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने के बाद 21 मेंबर हो गए हैं, जिसमें 90 जो है सॉवरेन कंट्रीज हैं और दो यूनियंस हैं, पहला है आपका यूरोपियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। लेटेस्ट मेंबर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि किसने G20 को ज्वाइन किया है, तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीकन यूनियन। इस बार एजेंडा क्या था G20 समिट का? जो इस बार का प्रॉपर एजेंडा था वो था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो ये था एजेंडा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला जो आउटकम निकल के आया है यहां पर वो आया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का। क्या है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन? सिंपल सा है कि इस डिक्लेरेशन के तहत रशिया यूक्रेन वॉर पर जो G20 मेंबर कंट्रीज हैं उनके क्या इंस्टेंस रहे हैं, क्या नेशनल पोजीशन है किस कंट्री की, यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। बेसिकली देखिए 83 पैराग्राफ का ये पूरा डिक्लेरेशन है। अब इस डिक्लेरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर, हमने कई बार देखा कि इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। शुरुआत से हम शुरू करेंगे कि इस वॉर का कारण क्या है। आप यहाँ पे समझिए, आप एक क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करिए कि रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू कब हुई थी। अब हम समझेंगे कि ये जो रशिया है, आप देख सकते हो कि इसकी ये बॉर्डरिंग कंट्री है यूक्रेन। रशिया और यूएसए की हमने देखी है कि शुरू से ही इनका कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन हमने देखते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर यूक्रेन का जो ये नेटो की तरफ, जब से यहाँ पे आपके जेलेंस्की प्रेसिडेंट बने हैं, वो जो है नेटो में ज्वाइन होने के लिए बार बार यहाँ पे उसकी मेंबरशिप लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बार बार रशिया के यहाँ पे वार्निंग देने के बाद भी यूक्रेन ने इस चीज को नहीं समझा। आप ये क्रीमिया देखिए, 2014 में यहाँ पे रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अटैक करने के पहले आप ये रीजन देखोगे, यहाँ पर भी रशिया ने अपना जो है क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। उसके बाद यूक्रेन के ना मानने के बावजूद यहाँ पर रशिया ने फाइनली अटैक कर लिया यूक्रेन को। सो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब रशिया का अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर, तब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए, बहुत ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अगेन इंडिया पर प्रेशर डाला गया कि आप यूक्रेन की सॉरी रशिया की इस हरकत को जो है क्रिटिसाइज करो, बट इंडिया ने यहाँ पर ऐसा कोई भी हार्श स्टेप अभी तक नहीं लिया है। इवन हमने देखा कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे डिस्काउंटेड रेट पर। उस समय पर इंडिया पे काफी सवाल उठाए गए, यहां तक कि जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपका ये जो ऑयल परचेज कर रहे हो रशिया से, वो एक तरीके से यूक्रेन को वॉर में जो है फंडिंग करना नहीं हुआ कि आप रशिया को फंड कर रहे हो वॉर के लिए। तो इस पे जो हमारे जयशंकर हैं, जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर, उनका इंस्टेंस आया कि अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से नेचुरल गैस की सप्लाई ले रही हैं, तो क्या हम इसको इस तरीके से देखें कि यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया को फंड कर रही हैं अगेंस्ट यूक्रेन वॉर में। तो इस तरीके के कुछ प्रेशर इंडिया के ऊपर लगातार आ रहे थे। अगेन G20 का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम किसी एक डिक्लेरेशन पर कैसे पहुंचेंगे। G20 मेंबर्स, उसमें से मोस्टली मेंबर रशिया को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं। बाली की जो लास्ट समिट हुई थी उसमें हमने देखा कि बहुत ही हाई लेवल क्रिटिसिज्म रशिया का किया गया। तो अब इंडिया को यहाँ पे बैलेंस बनाना था, और सेम चीज मैं बताऊंगी कि इंडियन डिप्लोमेसी की यहाँ पे जीत हुई है। फाइनली आप देखोगे इस 83 पैराग्राफ के डिक्लेरेशन में सिर्फ 8 पैराग्राफ में यूक्रेन वॉर का जिक्र किया गया है, 4 बार यूक्रेन का नाम आया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो है हमने इंडियन डिप्लोमेसी की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत हमने यहाँ पे G20 वेस्टर्न लीडर्स के बीच में एक बैलेंस बनाया, और हमने रशिया का भी एक अपना जो अलाई है, इतना अच्छा जो फ्रेंडशिप है उसको भी मेंटेन रखा। तो यहाँ पे फाइनली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया है। और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, उनके सामने ये रखा गया कि हम क्रिप्टो करेंसीज को किस तरीके से रेगुलेट करें, बिकॉज वी नो कि क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि इस करेंसी को अभी तक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया है, इस कारण से काफी सारे स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। तो
अब जरूरत है कि हम क्रिप्टो करेंसीज के लिए प्रॉपर रेगुलेशन बनाएं। साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, जो भारत की प्रेसिडेंसी है उसमें सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए हैं। टोटल 112 डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, जिसमें 73 आउटकम डॉक्यूमेंट्स हैं और 39 एनेक्स डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी तक किसी भी समिट में इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली हैं। अगला जो आउटकम आया है वो है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को फाइनली यहाँ पे G20 की परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई है। अफ्रीकन यूनियन 55 नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हमने बात की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए सबसे पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव क्यों डेवलप हुआ। यहाँ पे आप ब्रांडेड लाइन देख रहे होंगे, ये लाइन 1980s के समय में वेस्ट जर्मनी के चांसलर विली ब्रांडेट ने ड्रॉ की थी। किस लिए? बेसिकली इस लाइन का पर्पस ये शो करना है कि जो नॉर्दर्न और सदर्न रीजन है पूरे वर्ल्ड का, उसमें किस तरीके से हम एक सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड देखने को मिलते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड को कैसे जो है फिल किया जाए, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि जितने भी ये नीचे के आप सदर्न एरिया के आपकी कंट्रीज हैं, इन मोस्टली देशों में जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिला। आप भारत के पास तीन कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार की ही स्थिति देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से इनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं कई सारे देशों में देखने को मिली हैं। तो अब ज़रूरत है कि हम अपने पूरे वर्ल्ड का जो सदर्न रीजन है उस पर ध्यान दें और उन कंट्रीज़ को हेल्प करें कि वो अब इस क्राइसिस से बाहर निकल के आएँ। तो उसी के तहत यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि साउथ पार्ट का सबसे बड़ा यूनियन है ये, इसको जोड़ने के बाद अब G20 टोटल वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कारण से हमने अफ्रीकन यूनियन को यहां पे परमानेंट मेंबरशिप दी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की जा रही है। एज वी नो कि भारत थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और हम अपनी क्रूड ऑयल की जो कंज्यूम करते हैं उसे 85% तक हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसके इंपोर्ट में चला जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो टोटल 40% पॉल्यूशन जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से देखने को मिलता है। तो अब इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए साथ ही साथ जो ये इतना ज़्यादा हम एक्सपेंड कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ ऑयल्स पे, वो भी कम हो जाएगा। इसके लिए 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का कंसेप्ट रखा गया है कि जो पेट्रोल है उनमें हम 20% एथेनॉल को ब्लेंड करके और फिर उसका उपयोग करें। इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में जो मेन इसके इनिशिएटिंग मेंबर रहे हैं, जैसे कि जो कंट्री इसका आइडिया रहा है इस बायोफ्यूल अलायंस को बनाने का, उनकी लिस्ट यहां पर दी गई है। 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स थे, ये सारे देश प्रेजेंट थे जब ये लॉन्च किया गया, इसकी लिस्ट दी हुई है। ये 2 ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इस अलायंस को ज्वाइन किया है। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल 19 कंट्री और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन किया है। अब इन 19 कंट्री में 4 G20 की कंट्रीज हैं जो कि इनवाइट की गई हैं, और 8 ऐसी कंट्री हैं जो कि ना इनवाइटीज हैं ना मेंबर हैं, बट स्टिल इन्होंने यहाँ पे इस अलायंस को ज्वाइन किया है। देखिए, जो ये पूरा अलायंस बना है इसमें 3 कंट्रीज बहुत मेन हैं, US, ब्राजील और इंडिया। US 52% जो है ये एथेनॉल प्रोडक्शन करता है, जो आपका ब्राजील है वो 30% एथेनॉल प्रोडक्शन करता है और इंडिया 3% एथेनॉल प्रोडक्शन करता है। तो अब यहाँ पर ये तीनों देश को मिलकर ये पूरा सिक्योर करना है, ये चीज़ ध्यान में देनी है कि जो पूरे वर्ल्ड में बायोफ्यूल की सप्लाई है उसे हम अफोर्डेबल बनाएं, जो बायोफ्यूल्स हैं उन्हें हम सही रेट पर अलग अलग देशों में बेच सके, सो दैट ये जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो हमारी ख़त्म हो जाए और इससे हमें क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने में भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ कि एथेनॉल किस तरीके से बनाया जाता है। क्रॉप्स आप शुगर केन देख लो, मेज देख लो, इस तरीके की क्रॉप को फर्मेंटेशन पहले उनका किया जाता है, फिर प्यूरिफाई करने के बाद फाइनली एथेनॉल के रूप में वो प्रोड्यूस होती हैं, बाहर आती हैं, फिर इस एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ और फाइनली ट्रांसपोर्ट करके फ्यूल स्टेशन पे पहुंचा दिया जाता है।
थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है ये, किस लिए बनाया गया है? सी बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इस कॉरिडोर के तहत आप देख सकते हो कि हम मिडिल ईस्ट और यूरोप को इंडिया से कनेक्ट करेंगे। बेसिकली रेल और शिपिंग का जो कॉरिडोर है उसे हमने नाम दिया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसे हम चाइना के बेल्ट रोड BRI का जो इनिशिएटिव है उसका एज अ काउंटर देख रहे हैं। इसके तहत हम कई सारे रेल लिंक, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल बिछाई जाएगी। आप मैप से यहाँ पे समझो कि ये रीजन भारत का और ये रीजन, ये कनेक्ट किया जाएगा सी रूट से। अगेन यहाँ पर फिर रेल का पूरा रूट बिछाया जाएगा और अगेन यहाँ से यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा सी रूट से। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, ये कंट्रीज इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, इस कॉरिडोर का जो इनिशिएटिव है, अगर हम बात करें तो G20 समिट खत्म होने के बाद इटली की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। इनका ये कहना है कि ये सोच रहे हैं कि चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लें, इस डील से एग्जिट कर लें। बात करें अगर हम इटली की, तो इटली अकेला ऐसा G7 कंट्रीज में से अकेला ऐसा है जिसने इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव को 2019 में ज्वाइन किया था। G7 मेंबर्स की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US, ये G7 के मेंबर्स हैं और इटली उसमें अकेली ऐसी कंट्री थी जिसने BRI को ज्वाइन किया था। बट अगेन अब ये सोच रहे हैं कि हम वापस से इस डील से एग्जिट कर लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि इससे चाइना क्या सोचेगा, और साथ ही साथ एक ये भी टेंशन है कि हम जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम चाइना की जो पॉलिसीज, अग्रेसिव पॉलिसी है, उन्हें कर्ब करने में हम सफल हो पाए। बेल्ट रोड इनिशिएटिव है क्या, थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत टोटल 150 कंट्रीज को, जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, इन्हें चाइना जोड़ना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के दो फेज हैं। पहला है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये जो रेड लाइन से आपको दिख रही है, बेसिकली इसके तहत लैंड के थ्रू जो है आप देख सकते हो इन सारे एरियाज को जोड़ा जाएगा। और दूसरा है 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड। आप देख सकते हो कि ये मैरीटाइम, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि सी के रूट से जो है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट था 2013 में अनाउंस हुआ था। अभी अगर आप इस प्रोजेक्ट की बात करो तो शुरुआत में तो काफी तेजी से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, बट धीरे धीरे क्योंकि चाइना के अंदर भी काफी सारे इकोनॉमिक समस्याएं आने लगी हैं, और साथ ही साथ हम पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान का ही अगर आप एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है इसी इनिशिएटिव के तहत। यहाँ पे कई सारे चाइनीज जो है वो पाकिस्तान में जाकर रह रहे हैं, वहां इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, बट चाइनीज सिटीजन सेफ नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि कई सारे वहां बलूच के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार इन पे बॉम्बिंग्स कर रहे हैं। तो इस कारण से पाकिस्तान के अंदर भी इस इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है वो काफी स्लो हो गया है। तो ये चाइना के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, और देखा ये जा रहा है कि भारत के लिए ये काफी अच्छी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे G20 मेंबर्स ने कहा है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिफॉर्म लाएंगे। अगर हम भारत के परस्पेक्टिव में WTO का देखें तो काफी सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं, लेकिन मेनली दो चीजों पे भारत को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला रहा है कि US को हमेशा से ये समस्या रही है कि भारत का जो टैरिफ टैक्स है वो बहुत ही ज्यादा है, तो US हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वो उसे भारत कम करे। दूसरी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी हमें गवर्नमेंट किसानों को देती है भारत के अंदर, समझिए आपको क्यों भारत के किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता है। भारत में मोस्टली मार्जिनल किसान है, यानी जिनके पास कम जमीनें हैं, उस कम जमीनों में हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का है कि हम फर्टिलाइजेशन का यूज करें। हम एकाएक पूरे फर्टिलाइजर उसको मार्केट को बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी हमें अपने किसानों को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है।
तो ये सारे मुद्दे इंडिया अक्सर WTO का जो डिस्प्यूट है उसमें ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है कि एक तो G20 के मेंबर्स ने कहा है कि हम WTO का जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसमें हम अलग अलग थोड़े चेंजेस करेंगे, उनके प्रावधानों में परिवर्तन लाएंगे। साथ ही साथ US और इंडिया के जितने भी डिस्प्यूट थे वो सब खत्म हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जून का जो महीना गया है ना उसमें 6 डिस्प्यूट्स तो खत्म किए थे भारत और इंडिया ने। अब यहाँ पे इस समिट के बाद जो एक यहाँ पे 7th डिस्प्यूट बचा था उसको भी इन दोनों कंट्रीज ने आपस में सुलझा लिया है। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि रीसेंट कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ अपने सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया है, तो आप आंसर में जवाब देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, कुछ छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं जिनके ऊपर बात हुई है। अगेन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो फाइनेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए बात की गई है, क्योंकि देखिए बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें फाइनेंस की आवश्यकता है, तो वर्ल्ड बैंक की जो कैपेसिटी है लोन देने की अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प कर पाएगा। सेकेंड यहाँ पे देखिए बात की गई है जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को, यानी कि जो छोटे छोटे और अदर बैंक है वर्ल्ड बैंक को छोड़कर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक उनकी भी 200 बिलियन तक ऑलमोस्ट नेक्स्ट डिकेड तक हम ये कैपेसिटी अचीव कर लें। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पे बात की गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। डेप्थ रिलीफ फ्रेमवर्क, देखिए कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि जैम्बिया, घाना, यूथोपिया, तो ये कंट्रीज क्या है कि इन्हें फाइनेंस की जरूरत होती है लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस ये उस लोन को रीपे नहीं कर पा रही है। तो ऐसे समय पे अगर हम उनका कुछ लोन जो है कुछ डेप्ट उनका माफ कर देंगे तो उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा, और साथ ही साथ मुसीबत के समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो उस समय पर हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तो इसके बारे में भी बात हुई। सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए फाइनेंस करेंगे इस पे चर्चा की गई है। साथ ही साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन, सी इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी कि हम जो टैरिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अलग अलग टैक्स लगाते हैं उसको भी हम थोड़ा सा इस हिसाब से रखें कि सबको अफोर्डेबल पड़े, हर एक कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए G20 शेरपा अमिताभ कांत, ये वही डिक्लेरेशन की बात हो रही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग चीज आपको बताना चाहूंगी, आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि G20 इंडिया के शेरपा हैं अमिताभ कांत। क्या होता है शेरपा आप समझ लीजिए, सी ये एक सीनियर ऑफिसर, हाई रैंक के ऑफिसर की एक पोस्ट होती है जिसपे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली आप समझिए यहाँ पे कि जितने भी हेड ऑफ स्टेट हैं उनके पास इतना तो समय है नहीं कि वो प्रॉपर G20 की हर एक चीज को, हर एक मीटिंग को कोऑर्डिनेट करें, हर एक मुद्दों पर ध्यान दें, तो उनके बिहाफ पर यहाँ पे शेरपाज अपॉइंट किए जाते हैं हर मेंबर कंट्रीज की तरफ से अपने अपने देश के लिए। इनका काम रहता है कि ये पूरी नेगोशिएशन और पॉलिसी रिकमेंडेशन, क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, किस कंट्री से किस तरीके से इंगेजमेंट करना है, तो ये सारा काम जो है शेरपाज का होता है। क्वेश्चन अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि G20 समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर पूछ देता है कि इंडिया का G20 शेरपा कौन था, तो आपका आंसर होगा अमिताभ कांत। और याद रख लीजिए ये फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के भी। अच्छा, 2021 तक कौन थे भारत के शेरपा, तो हो जाएगा पीयूष गोयल, इन्हीं को अमिताभ कांत ने रिप्लेस किया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, G20 की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट आए थे उनकी वाइफ्स, उनके जो स्पाउसेस थे वो यहाँ पर, उन्होंने दौरा किया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर टोटल 15 लीडर्स की वाइफ पहुंची थी, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। इनका स्वागत हुआ मिलेट्स के द्वारा बनाई गई, मिलेट्स का यूज करके बनाई गई रंगोली। मिलेट्स क्या होती है, मिलेट्स के अंदर आपकी ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरीके की आपकी क्रॉप्स मिलेट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लहरी बाई और 19 अदर वुमेन फार्मर्स, देखिए ये जो लोग आए थे, ये 20 वुमेन जो आई थी, इन लोगों को क्यों बुलाया गया था, ये इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में मिलेट कल्टीवेशन, मिलेट फार्मिंग के लिए बहुत ही हाईली कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ही अच्छे काम किए हैं वहां पे, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने मिलेट्स को बढ़ावा दिया है, इस कारण से इन्हें बुलाया गया था। और लहरी बाई का नाम आप याद रख लेंगे इनकेस आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो
तो यहाँ पर प्रॉपर लहरी बाई ने जो स्पाउसेस थी हेड ऑफ स्टेट्स की, उन्हें पूरी एक इंसाइट दी, इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से मिलेट फार्मिंग होती है, किस तरीके से क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से भारत की महिला एक रोल निभा रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को, स्पेशली मिलेट कल्टिवेशन के सेक्टर में। यहाँ पे 11 राज्यों से इन सारी महिलाओं को बुलाया गया था, जिसमें कि आपके हैं मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे शेफ कुणाल कपूर को बुलाया गया था। कुणाल कपूर को बुलाया गया था, इन्होंने लाइव मिलेट कुकिंग यानी कि उन्हीं के सामने कुक किया डिशेस अलग अलग तरीके की यूजिंग मिलेट्स। मिलेट्स का यूज करके अलग अलग वैरायटी की कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाई यहाँ पे, और जो स्पाउसेस आई थी उन्हें भी बताया कि क्या इसके फायदे हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि ये मिलेट्स इतना क्यों बार बार आ रहा है। अच्छा, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे श्री अन्न के बारे में बताओगे। ये जो आप नाम देख रहे हो ना, ये जो वर्ड है, ये न्यूज में था। आप मुझे श्री अन्न के बारे में बताओगे, इसके इनिशिएटिव के बारे में बताओगे। तो देखिए, मिलेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पे 72 मेंबर के सपोर्ट के साथ एक रिजोल्यूशन पास किया, और उसके तहत 2023 के वर्ष को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इस कारण से ये G20 में आप देखोगे कि जो भी खाने पीने की चीजें हैं, जो भी डिशेज हैं, उनमें मिलेट्स का बहुत प्रयोग किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ये फिक्स है, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी। नाउ यहाँ पर फाइनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो G20 की प्रेसिडेंसी है अपकमिंग ईयर के लिए, वो ब्राजील को दे दी है। आप इमेज में देख सकते हो। एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस पूरे समिट का हाइलाइटेड पॉइंट क्या था कि देखिए, आने वाले 3 साल तक हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि आने वाले अपकमिंग 3 ईयर्स तक ये जो प्रेसिडेंसीज का रोटेशन होगा, ये डेवलपिंग कंट्रीज के ही बीच में होगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे चांस है कि ये जितनी डेवलपिंग कंट्रीज ये होस्ट करेंगी G20 को, वो बाकी जो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप कर रही हैं, उनके लिए काफी ज्यादा काम कर सकती हैं और ग्लोबली उनकी पोजिशन को जो है और एनहेंस कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है सौंप दी गई है ब्राजील को। नेक्स्ट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल सेशन भी रखा है नवंबर के महीने में, क्योंकि क्या किस लिए रखा है ये वर्चुअल सेशन, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये चेक करेंगे कि G20 के समय जो भी सारी बातें की गई हैं, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आपका और उसके साथ साथ आपका जो कॉरिडोर का सेटअप है, इन सब के ऊपर जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इनका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आगे की रोड मैप होंगे, तो ये यहाँ पे इसलिए वर्चुअल सेशन करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, ये किस साल में आयोजित की गई थी, कब इसका आयोजन हुआ था। तो आपके ऑप्शंस हैं 1932, 1944, 1956, 1968। आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें, और साथ ही साथ बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। सी देखिए, मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज लिखें, उससे क्या होगा कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, तो हमें एक ये भी फायदा मिलता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर हमें अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग नजरिए से हम उसको देख पाते हैं। तो आज अपने आप व्यू शेयर करेंगे कि ये जो G20 की सक्सेस हुई है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले समय में इंडिया के लिए देखने को मिलेंगे, किस तरीके से ये G20 समिट जो है भारत में विश्व गुरु की जो एक पोजीशन है उसको और मजबूत करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।